अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ जुनी खान। कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। ओके जी, आपके साथ आज एक आईब्रो का इजी सा ट्यूटोरियल शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको 3 टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आपके पास ब्राउन पेंसिल होना ज़रूरी है, एक स्पूली और एक ब्रश आपके पास होना चाहिए लाजमी। तो ये बहुत ही ईजी और सॉफ्ट सा बिल्कुल इसका कट बनेगा। तो सबसे पहले आपको इस तरह से एक ब्रश की मदद से पॉइंट करना है। ये निशान लगाने का मकसद इसलिए होता है कि भाई आपकी शेप अच्छी बन जाएगी, सॉफ्ट और नेचुरल लगेगी। इसे इस तरह से आपने तीन पॉइंट्स आपने इसमें करने हैं। जिस जिस एंगल से मैंने आपको बताया है, आपने इसी एंगल से आपने पॉइंट लगाने हैं और इस तरह से फिर आपने लाइन खींच के इसको साथ ज्वाइन कर लेना है। नीचे से आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आप बिल्कुल वहाँ जहाँ हमारी टिप होती है वहाँ से शुरू नहीं करना। आपने थोड़ा सा छोड़ के आगे पीछे की तरफ आपने लाइन बनानी होती है और फिर इस तरह से आप इसको फिल कर लेंगे। इसको अच्छे से फिल करेंगे ताकि हमारी प्रॉपर शेप बन जाए आईब्रो की। ये जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पे आपने बिल्कुल सॉफ्ट हाथ के साथ आपने लाइन लगानी है, बीच में ऐसे मर्ज करना है ताकि बिल्कुल नेचुरल लगे। अब स्पूली की मदद से हम ये बालों का जो रुख है वो नीचे की तरफ करेंगे ताकि हम अच्छे से नीव सी एक लाइन लगा सकें। इस तरह से आपने एक नीट लाइन लगानी है। यहाँ से भी आप बालों को नीचे करेंगे। फिर इस तरह से सारे आपने बाल ऊपर करके मर्ज कर लेने हैं और अब आपने ब्रश की मदद से सारी जो आईब्रो है उसको मर्ज कर लेना है ताकि आपकी आईब्रो बिल्कुल एक नेचुरल लुक में आ जाए। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं, आप भी घर में बैठ के इस तरह से प्रैक्टिस किया करें तो प्रैक्टिस करने से सब कुछ आ जाता है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट लग रही है, बिल्कुल नेचुरल सी, ना फेक लग रही है ना कुछ। इसी तरह दूसरी आईब्रो भी हम सेम बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।